नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मोहिनी राणा। ब्रजभूषण सरन सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के आंदोलन में नया मोड़ आ गया है। जी हां, अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने को लेकर पहलवान सवालों के घेरे में आ गए थे, लेकिन अब पहलवानों की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो आंदोलन के लिए नौकरी छोड़ने को तैयार हैं। बजरंग पुनिया का कहना है कि अगर न्याय की राह में नौकरी रुकावट बनती है तो वो उसे छोड़ने को तैयार हैं। बजरंग पुनिया की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि उनका आंदोलन पहले की तरह ही जारी रहेगा। बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर कहा, हमारे पेट्रोलों को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे भी पड़ गए हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। बजरंग पुनिया की ओर से इससे पहले आंदोलन खत्म होने की खबरों को झूठा करार दिया गया। उन्होंने कहा, आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह हैं। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की FIR उठाने की खबर भी झूठी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। आंदोलन के लिए नौकरी छोड़ने को तैयार है बजरंग पुनिया। बोले, न्याय के लिए कोई भी त्याग मंजूर है। इसी बीच विनेश और साक्षी ने भी दिया जवाब। दरअसल आंदोलन खत्म होने की खबरें उस वक्त तेज हो गई जब यह जानकारी सामने आई कि पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद ऐसी जानकारी भी सामने आई कि सोमवार को आंदोलन कर रही पहलवान साक्षी मलिक रेलवे की अपनी ड्यूटी पर वापस लौटी हैं। साक्षी मलिक ने हालांकि यह साफ कर दिया कि ड्यूटी ज्वाइन करने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। विनेश फोगाट ने भी साफ कर दिया है कि वो आंदोलन का हिस्सा बनी हुई है और उनकी लड़ाई न्याय मिलने तक जारी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक और कॉमेंट करना ना भूलें।